आपने रिमोट उठाया, रिमोट उठाने के बाद रिमोट टीवी में ऑन किया और टीवी ऑन होते के साथ ही आपकी टीवी में विदाउट सेटअप बॉक्स चैनल शुरू हो गए। मेरी दो वीडियो थी, तीसरी वीडियो फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैंने टीवी को ऑन किया, ऑन होते समय विदाउट सेटअप बॉक्स कुछ नहीं लगा रखा, टीवी में नेट है, नेट लगाते के साथ ही टीवी में चैनल शुरू हो गए। ठीक है, तो मेरी जो दो वीडियो थी वो यही थी कि आप अपनी स्मार्ट टीवी के अंदर, सैमसंग स्मार्ट टीवी के अंदर विदाउट सेटअप बॉक्स, विदाउट कोई वायर, विदाउट कोई एंटीना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम चैनल कैसे देख सकते। दो वीडियो बना चुका हूं, तीसरी वीडियो फिर मैं लेके आया, और आज जो वीडियो लेके आया वो ये लेके आया कि कौन कौन से चैनल आएंगे। अब क्वेश्चन यही था, हर कमेंट में यही कमेंट पूछा जा रहा था कि हम टीवी में नेट क्यों लगाएं और हम कितने चैनल देख सकते हैं। तो पहले बता देता हूं कि सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी में एक सैमसंग टीवी प्लस करके एप्लीकेशन लॉन्च की है, जहां पे आप 80 प्लस चैनल देख सकते हो और चैनल उसमें धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। सेकंड, जब आपकी स्मार्ट एलईडी टीवी है तो आपको इंटरनेट लगाना ही पड़ेगा, तभी आप स्मार्ट फंक्शन देख सकते हो। नॉर्मल एलईडी टीवी में तो आपको सेटअप बॉक्स लगाना ही पड़ेगा। अब आप कहते हो कि स्मार्ट टीवी में नेट क्यों लगाएं, जब आपकी टीवी स्मार्ट है तो इंटरनेट तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो फिर आपको स्मार्ट टीवी लेने का फायदा क्या नेट लगा। जिनके पास वाईफाई है उनके लिए गुड है, आप मोबाइल के नेट से भी चला सकते हो। आपको 80 प्लस चैनल फ्री में देखने को मिल रहे हैं, जो ओटीटी देखने के शौकीन है, जो ज्यादातर वेब सीरीज देखते हैं, तो उनके लिए स्मार्ट टीवी बेटर है, पेन ड्राइव लगा सकते हो। और आप इस टीवी सैमसंग का ऐसा नहीं है कि 32, 43, मतलब सारी टीवियों के अंदर स्मार्ट प्लस एप्लीकेशन आती है, जहां पे 80 चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं सारे चैनल्स। और कौन कौन से चैनल्स हैं उसमें, मूवीज के हैं और आपके कार्टून चैनल वे हैं, इंफॉर्मेशन चैनल है, जो आजकल फ्री सेटअप बॉक्स आ रहा है ना वो वाले। ठीक है, कुछ वाले ऐसे हैं जो पेड वाले भी आपको फ्री मिल रहे हैं। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको 32 इंच में दिखा रहा हूं, नॉर्मल को 43 नहीं, 55 नहीं, 32 इंच में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये 32 इंच का टीवी है। आप यहां पे सोर्स बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखो, यहां पे सोर्स सर्च, और यहां पे आएगा आपको ये सैमसंग टीवी प्लस एप्लीकेशंस, सैमसंग टीवी प्लस एप्लीकेशंस, ये वाला, ये सैमसंग टीवी प्लस एप्लीकेशंस है। इसको क्लिक करोगे यहां पे, अब देखो चैनल की लिस्ट आ चुकी है आपके पास। ठीक है, ये सारे मूवी वाले चैनल्स हैं और आपके न्यूज वाले चैनल्स हैं। ठीक है, ये सारी लिस्ट आ चुकी है, ये चैनल सारे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, बशर्ते आपकी टीवी में इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, अब इंग्लिश में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मराठी, बंगाल, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, कई लैंग्वेज के अंदर आप ये चैनल देख सकते हो सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी के अंदर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चैनल्स हैं मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूं। जब आप यहाँ सैमसंग टीवी प्लस में आओगे, देखो तो यहाँ पे गाइड और चैनल लिस्ट, चैनल लिस्ट पे खोलोगे, ये देखो सैमसंग स्मार्ट टीवी प्लस, ये सारे चैनल्स आपको आ चुके हैं। यहाँ पे न्यूज के हैं, इतने सारे चैनल न्यूज के, तो सारे चैनल्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा अब देखो मैं गाइड पे ले आया हूं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, ये देखो ये सारे चैनल्स आप देख सकते हो। अब मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूं कि कौन कौन से चैनल्स आपको आप देख सकते हो। ये सारे चैनल मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है, इनके कोई कॉस्ट नहीं लग रहा। आपकी टीवी में इंटरनेट होना चाहिए। आप देखो ये आपके सारे ये वाले आ चुके हैं, 9XM, 9XM जलवा, टसन, ये सारे NINX झक्कास, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये दंगल मूवी के भी हैं, मैं अभी आपको और लिस्ट दिखा देता हूँ सारी। डिस्कवरी, अभी देखो डिस्कवरी HD, डिस्कवरी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, डिस्कवरी और डिस्कवरी HD दोनों आपको मिल रहे हैं इसके अंदर सैमसंग टीवी प्लस के। आपको आप वो भी चैनल देख सकते हो, इतनी सारी लिस्ट आपको दी गई है चैनल की। ये देखो पोगो कार्टून में आपको पोगो, कार्टून नेटवर्क, ठीक है, ये सारे चैनल्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपके पास 32 इंच हो, 43 इंच हो, 50 इंच हो, 55 इंची, कोई सा भी साइज का सैमसंग का स्मार्ट एलईडी टीवी हो, सैमसंग टीवी प्लस एप्लीकेशन करके उसके अंदर ऑलरेडी आ रही है। जिनके पास नहीं है स्मार्ट टीवी है सैमसंग का,
टीवी को आप अपडेट कर लीजिए, जैसे टीवी को अपडेट करोगे वो एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएगी आपके सैमसंग टीवी में। और अभी जब लेते हो 32 इंच का टीवी कितने का आता है, 14,000-15,000 की रेंज में, ठीक है, सैमसंग का, जिसके अंदर आपको सेटअप बॉक्स लगाने की रिक्वायर्ड नहीं है। स्मार्ट टीवी की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट टीवी जब आप लेते हो तभी फायदा स्मार्ट टीवी का, जब उसमें नेट लगाते हो, ठीक है, इंटरनेट लगाओगे तभी आप सारी चीज यूट्यूब देख पाओगे, OTT देख पाओगे, ठीक है, उसके अलावा और भी काम कर पाओगे उसके अंदर जो इंटरनेट वाले सारे जो कंपनियां दे रही हैं। और सैमसंग टीवी प्लस में जो आपको चैनल देखना है वो आप चैनल भी देख सकते हो। अभी क्या होता है, हम स्मार्ट टीवी ले लेते हैं, उसमें स्मार्ट ले लिया, वो सेटअप बॉक्स अलग से लगाओ, नेट अलग से, दो खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सैमसंग स्मार्ट टीवी में आपको इतने सारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। फिर बता देता हूँ, नेट लगाना रिक्वायर्ड है, और जहाँ स्मार्ट टीवी है वहाँ नेट लगेगा ही लगेगा, विदाउट नेट के स्मार्ट टीवी नहीं चलती। नॉर्मल सेटअप बॉक्स लगाओ चलाओ, फिर तो आप नॉर्मल टीवी भी ले सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन से मॉडल में स्मार्ट टीवी प्लस आ रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 सबका मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। और स्मार्ट टीवी प्लस एप्लीकेशन कैसे चलनी है वो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से चैनल है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एलई टीवी ग्रुप पर जा सकते हो, जहाँ पे 600 से 700 प्लस आपको वीडियो मिल जाएंगी, और फेसबुक पेज पे भी अभी आ चुकी है, जहाँ पे 300 प्लस वीडियो आपकी हो चुकी है, तो आप दोनों जहां देख जाओ वहां दोनों देख सकते हो। एक वीडियो मैंने अभी और बनाई थी जहां पे मैंने बताया गया कि मोबाइल से टीवी कनेक्ट करिए, भी टीवी कनेक्ट हो जाएगी विदाउट इंटरनेट विदाउट वायर। अब वहां पे क्या है कि जब आप मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करते हो तो वायर नहीं चाहिए, नेट भी नहीं चाहिए, बट वहां पे आपको वाईफाई डायरेक्ट चाहिए जो मोबाइल में होता है, उसके लिए नेट यूज नहीं होता, सिर्फ आपको वाईफाई ऑन कर देना मोबाइल का। अब वो लोग कहते हैं हम वाईफाई ऑन क्यों करें, जब आप अपने मोबाइल का नेट ऑन नहीं करना, आपको नेट नहीं लगता, वाईफाई डायरेक्ट होता है जिससे मोबाइल और टीवी कनेक्ट होते हैं विदाउट इंटरनेट विदाउट वायर। फिर बता रहा हूं विदाउट इंटरनेट विदाउट वायर। अब मैंने मोबाइल का वाईफाई उनको इसलिए बोल रहे हैं कि आपने तो नेट ऑन किया, वो नेट ऑन नहीं किया, आपका जो मोबाइल है वो नहीं है वाईफाई राउटर नहीं है। वाईफाई राउटर होता है जब मोबाइल का आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो तब वाईफाई राउटर बनता है आपका मोबाइल। इतनी तो समझ होनी चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हो कि आपने तो नेट ऑन किया था, नेट ऑन नहीं किया था मैंने, मोबाइल का वाईफाई ऑन किया था। और मोबाइल का वाईफाई ऑन करने का मतलब है कि आप किसी राउटर से नेट ले रहे हो मोबाइल के अंदर। तो प्लीज पहले वीडियो को पूरा देखा करो फिर आप क्वेश्चन किया करो, दोबारा देखो, तिवारा देखो, चौवारा देखो, गलत कमेंट मत कीजिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी, थैंक यू सो मच।